हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी ट्रेन जर्नी में। मैं हूं आशीष और अभी फिलहाल हम बख्तियारपुर जंक्शन पर हैं और यहां से एक और जर्नी हम करने वाले हैं कमलांगा इंटरसिटी में, जो कि यहां पटना से प्रतिदिन जयनगर के बीच चलती है। तो उसकी जर्नी हम करने वाले हैं। यहां उस ट्रेन का आने का सही वक्त है 6:19 और तमाम आपको उसका आने का अपडेट देंगे। और सामने देखिए खूबसूरत है बख्तियारपुर जंक्शन और अभी बारिश हो रही है तो इसलिए काफ़ी और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इधर भी आप देख सकते हैं और बख्तियारपुर जंक्शन पटना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और यहाँ जंक्शन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक रेल लाइन तलैया नवादा की तरफ निकल जाती है, इसलिए इसको जंक्शन बोलते हैं। बाकी एक रेल लाइन पटना की तरफ और एक रेल लाइन मोकामा बार की तरफ निकल जाती है। तो काफ़ी खूबसूरत जंक्शन है और यहीं जंक्शन से हम आज जर्नी करने वाले हैं सकरी जंक्शन तक और वहाँ का अपडेट हम देंगे। हमारी जर्नी जो होने वाली कुल मिला के 217 किलोमीटर की होने वाली है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं अभी बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और हमारे सामने जा रही है भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, दानापुर से भागलपुर की तरफ चलती है और ट्रेन आई है हमारी कमलांगा इंटरसिटी तक। हम आपको आगे का जानकारी देंगे। अभी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, बारिश का तो मतलब आप सोच लीजिए काफ़ी तेज़ तरार बारिश हो रही है। तो अब करीब 15-20 मिनट बाद हमारी ट्रेन आने वाली है यहाँ बख्तियारपुर जंक्शन से। चलिए दोस्तों, फिलहाल हमारी ट्रेन जो है सो एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। अब हम लोग एक नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं और यहाँ हमारी ट्रेन आने वाली है। अब उसका करीब 3-4 स्टॉपेज पहले खुसरूपुर तक आ चुकी है। तो अब जब आती है तब उसका अपडेट देते हैं। उसका आने का यहाँ पर सही समय 6:19 है। तो फिलहाल समस्तीपुर दरभंगा जयनगर तक जाएगी। पटना जयनगर कमलांगा एक्सप्रेस एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। कमलांगा इंटरसिटी एक्सप्रेस समस्तीपुर दरभंगा पटना जंक्शन बाइक नए लोकोमोटिव के साथ अब देखते हैं इसमें सारे के सारे जनरल बोगी हैं, खाली कौन सा है। बारिश तो देख लीजिए, बारिश के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। वैसे ट्रेन तो लग रही खाली। तो इस ट्रेन का इंटीरियर था, फाइनली डिपार्चर हो चुका है। काफ़ी तेज़ बारिश वहाँ पर, इसलिए बारिश आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग हॉल के बाद से भी डिपार्चर हो रहा है। टाइम पीरियड दिखा रहे थे तो दोस्तों, अगर बात कर लेते इस ट्रेन की टाइमिंग, यह ट्रेन प्रतिदिन पटना से 5 बजे मिलती है और जयनगर पहुँचने टाइम का सही समय जो है सुबह 3 बजे 15 मिनट का है। इस दौरान करीब इसको 65 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। 40 ज़्यादा इसको होल्ड दिया गया है, यानी काफ़ी ज़्यादा इसको होल्ड दिया गया है। और यहाँ बख्तियारपुर बाहर मोकामा सिमरिया घाट बोनी समस्तीपुर दर्शन सराय दरभंगा होते हुए या फाइनली तकनीक होते हुए जयनगर स्वास्थ्य में वही प्रधानमंत्री पहुँच जाते हैं। चलिए झालमुरी हम लोग ने लिया है, अब इसका टेस्ट ड्राइवर का देखते हैं। खत्म करके आपसे मिलते हैं दोबारा। देखिए अभी कहानीपुर हॉल्ट में हमारी ट्रेन रुकी है, काफ़ी अंधेरा है
इस हॉल्ट पे काफ़ी अंधेरा, करीब वक्त हो रहा है 7:30। जैसा कि आपने देखा कि हमारे ऐसे छोटे बहुत सारे इसको हॉल्ट दिए गए हैं, जिसके कारण हम सारे हॉल्ट को कवर नहीं कर पा रहे हैं। कितना हॉल्ट होगा उसको हम आपको बताएंगे यहाँ के हाल कि इस ट्रेन को बहुत ज़्यादा हॉल्ट दिया गया है, इसलिए इसका एवरेज स्पीड भी करीब 25-24 किलोमीटर के आसपास है, जो कि बहुत ही ख़राब स्पीड कह सकते हैं एक ट्रेन के लिए। आप समझ सकते हैं जो आप ये ट्रेन 5 बजे पटना से खुलती है और 4 बजे करीब जयनगर पहुंचाती है, तो आप समझ सकते हैं जो करीब इस ट्रेन को 11 घंटे के आसपास लग जाता है 265 किलोमीटर का सफर तय कर लेना। तो इसका मेन कारण इसको काफ़ी ज़्यादा हॉल्ट दिया गया है। एक और हॉल्ट देखिए, जब भी मोर में ट्रेन रुकी हुई है और कितना अंधेरा है, और हॉकी भी हो गया सिर्फ 1 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट होता है। और आप देख सकते हैं जो क्या कंडीशन है लाइटिंग का, कुछ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हॉल्ट दिए गए, करीब 40 ज़्यादा इसको हॉल्ट, प्रत्येक 5 मिनट 2 मिनट पर का एक हॉल्ट हो जाता है मोर प्रोवाइडेड। अब इसके बाद आप चलेंगे बड़ा है मुकामा 89 किलोमीटर का कंप्लीट करने के बाद यह मुकामा पहुंच चुकी है, जहां इसका अराइवल का सही समय 7:45 और 2 मिनट बिफोर ही पहुँच चुकी है। ये बड़ा स्टेशन है जहाँ पर यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है, अभी सिग्नल नहीं हुआ। और इधर आप देख सकते हैं मोकामा रेलवे स्टेशन, इधर बख्तियारपुर की तरफ काफ़ी ज़्यादा पानी हो रही थी, इधर पानी नहीं हुई है, यहाँ पर पानी का आपको नहीं दिखा, उधर काफ़ी पानी हुई, इधर पानी नहीं हुआ। पटना के नज़दीक यही पटना जिले के अंतर्गत ही आता है, तो चलिए मोकामा से यहाँ से डिपार्चर हो गया करीब 2 मिनट के बाद, जो इसका निर्धारित समय 2 मिनट का यहाँ पर स्टॉपेज था, उसके बाद यहाँ से इसको डिपार्चर मिल गया है। और दोस्तों जैसा कि आपने देखा यहाँ मकान पर करीब बसें समय से फोर्ट में आई थी, अब इसका अगला हॉल्ट 2-3 हॉल्ट के बाद इस महीने पहुँचेगी, फिर उसके 2-3 हॉल्ट के बाद करीब 10 बजे के आसपास फिर फ्लोर नहीं पहुँचेगी। सामान छे दोसर के नीमू चाहे काफी ज्यादा पैसा लीजिए, नीमू चाहे नीमू चाहे नीमू चाहे नीमू चाहे नींबू चाय चाहिए, बैठो बैठो बैठो, दूसरा का हम लोग ने नींबू चाय लिया है। तो दोस्तों करीब 110 किलोमीटर का सफर तय करके ये हमारी ट्रेन अभी 9:03 के आसपास है पहुंची है बुरोनी जंक्शन। बुरोनी जंक्शन में यहाँ पर इसका 10 मिनट का होल्ड दिया गया है, और ये प्रमुख जंक्शन है, यहाँ प्रमुख स्टॉपेज है यहाँ का कमला जंक्शन इंटरसिटी का। और मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हॉल्ट दिए, इसमें मैंने बाकी का हॉल्ट आपको नहीं बता दिखा है इसका। और यहाँ ये 10 मिनट करीब ये ट्रेन रुकेगी, उसके बाद फिर आगे की तरफ चलेगी, और उसके बाद सिंहसरा नाजीगंज समस्तीपुर होते हुए दरभंगा होते हुए फाइनली सक्री जयनगर की तरफ ये लोग चली जाएगी। तो अभी जो भीड़ है वो भीड़ पहले बहुत कम हो चुकी थी, सुना अभी भीड़ मेरी प्रॉपर समस्तीपुर या जयनगर के तरफ मधुबनी की तरफ जाने वाले लोग तो आप देख सकते हैं जो पहले अब जो भीड़ है तो पहले की तुलना में थोड़ी ज़्यादा हो गई है, पहले जो भीड़ थी वो कम हो गई। चलिए और यहाँ पे नॉर्मल, लेकिन तब भी इसमें भीड़ उतनी नहीं है जिसमें आपको बैठने के लिए प्रॉपर जगह ना मिल पाए, ठीक ठाक आपको यहाँ बैठने की जगह मिल सकती है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा जो सिमरिया से लोग आते हैं वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे आ चुके हैं। चलिए तो यहाँ से हमारा ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है,
बरौनी जंक्शन से करीब 9:10 पर डिपार्चर हुआ है। करीब 10:45 में इंटरसिटी एक्सप्रेस जंक्शन पर आ चुकी है और यहाँ आने का सही समय जो था 11:05 था और यहाँ करीब 20 मिनट का क्योंकि 11:10 यहाँ इसका डिपार्चर का सही आ रही है। जयनगर हावड़ा एक्सप्रेस जयनगर से हावड़ा तक जाती है वो उसका आया हुआ समय समस्तीपुर हुआ है और जो भीड़ है पहले भी थोड़ी सी कम हुई है लेकिन बरौनी एर्नाकुलम दोस्तों अभी जो आ रही है बरौनी एर्नाकुलम एक्सप्रेस है जो प्लेटफॉर्म पर 7 पर आ रही है। आप सामने देख सकते हैं बरौनी चल के एर्नाकुलम तक जाती है और उसका सामने वाला देख सकते हैं जो जाती है बरौनी एर्नाकुलम एक्सप्रेस फुल पैक है काफी। जैसा कि आप अभी देखे जब ये बरौनी एर्नाकुलम आई है समस्तीपुर जंक्शन पे, समस्तीपुर जंक्शन पर काफ़ी ज़्यादा आवाजाही रहता है और ये प्रमुख जंक्शन है और एक डिवीज़न भी पार्टर भी है क्योंकि अब्दुल मगर रेलवे के एक डिवीज़न में से प्रमुख डिवीज़न भी है। तो बाकी ये ट्रेन आप कहाँ जाएंगे हमारी को बुलाया तो मैं इंटरसिटी कब दरभंगा पहुँचेगी उसका हम आपको अपडेट देंगे क्योंकि बहुत सारे छोटे मोटे हॉल सारे हॉट और हॉल को दिखा पाना मुश्किल है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम कोशिश करें कि प्रमुख हॉल को आपको जरूर दिखा दें। अभी इसका डिपार्चर जो है वक्त है क्योंकि 11:10 इसका डिपार्चर होगा 11:05 हो रहा है डिपार्चर होगा डिपार्चर के साथ इसका आपको हाल हम बताते हैं। वो एर्नाकुलम एक्सप्रेस जो एर्नाकुलम से बरौनी तक जाएगी सबसे सागर एक्सप्रेस का यहाँ से डिपार्चर हो गया और हमारी ट्रेन में यहाँ से डिपार्चर नहीं दिया गया। आप समझ सकते हैं डिपार्चर का टाइम बताने के बाद भी इसलिए अब हमारी ट्रेन लेट होना शुरू हो गई ऐसे समस्तीपुर पहुँचती है ना तो इसको आगे जो कंडीशन है और बेहतर खराब हो जाएगी। अब देखिए कब तक यहाँ से खुलती है करीब अब जाएंगे करीब 10-15 मिनट डिले के बाद यानी 11:25 में इसको यहाँ से डिपार्चर मिला है तो काफ़ी लेट डिपार्चर करा बट यहाँ पर इसको पहले ही लेट कर दिया गया है। फोर टाइम आई थी लेकिन लेट इस ट्रेन कमाल जयनगर एक्सप्रेस के गाने के कारण क्योंकि जयनगर से जाकर भागलपुर जाती है फिर सिंगल रूट है दरभंगा तक वो एक मेन कारण हो सकता है। दोस्तों करीब 198 किलोमीटर का सफर तय करके हमारी ट्रेन दरभंगा जंक्शन पहुँच चुकी है। यहाँ आने का सही वक्त 12:58 था लेकिन ये ट्रेन हमारी करीब 10 मिनट बिफोर टाइम आ गई यानी कि 12:48 यानी कि अब यहाँ पर करीब 20 मिनट रुकेगी और 1:30 इसका कृपा करके यहाँ से समय है। तो कुल मिलाकर बात करें तो ट्रेन बिफोर टाइम चल रही है यहाँ पर भी गेट छोड़ने के बाद ही समस्तीपुर जंक्शन से भीड़ की बात की जाए तो थोड़ी बहुत मात्रा में भीड़ अभी कम हो गई है क्योंकि मिला जुला के ट्रेन में भीड़ अब पहले से धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि अब ट्रेन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँचने जा रही है क्योंकि इस पर अब सक्रिय प्रमुख हॉल है उसका मधुबनी और उसके बाद लास्ट में जाने पर वैसे बीच में बहुत सारे छोटे मोटे इसके हॉल्ट हैं। इस प्रकार से कमला गंगा इंटरसिटी अभी दरभंगा में पहुँच चुकी है अब यहाँ पर देखें 20 मिनट रुकेगी उसके बाद दरभंगा जंक्शन की बात की दरभंगा जंक्शन एक महत्वपूर्ण जंक्शन था क्योंकि यहाँ से ट्रेन में रक्षा निकल जाते हैं अब तो और इसके महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि झंझारपुर भाया सक्रिय होते हुए गुवाहाटी होते हुए नई दरभंगा रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाएगी जो बनाया जा रहा है इसे इस रेलवे स्टेशन की महत्व और ज़्यादा बढ़ जाएगी दरभंगा से दरभंगा एक मिथिलांचल के लिहाज देखा जाए और पूर्व मध्य रेलवे के लिहाज भी देखा जाए। साइड सहरसा के तरफ आई है ट्रेन जिले खाइड खाइड चल रही है सहरसा से सहरसा आजमगढ़
एक बजे जाता था। तो अभी भी आपने देखा जो सहरसा से नया सड़क जाती है वो ट्रेन अभी आप आई थी वो अभी दरभंगा पहुंची थी, उसका नया सड़क जाएगी तो इस तरह अभी खाली खाली चल रही थी। कला से करीब एक बज रहे हैं तो आप समझ सकते हैं हमारी ट्रेन का डिपार्चर काफ़ी समय होने को आ रहा है। देखते हैं फाइनली इसको डिपार्चर कब दिया जा रहा है क्योंकि इसको समस्तीपुर में काफ़ी लेट डिपार्चर दिया गया था। कोच कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें कोच में लवर में सारे के सारे जनरल कोच इसी कारण से इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद भी भीड़ समझ में नहीं आया क्योंकि सारे के सारे जनरल कोच हैं। यहाँ से करीब 1:30 में डिपार्चर हुआ है। करीब डॉट ऑन टाइम इसको यहाँ से डिपार्चर मिल गया तो हिसाब से यहाँ पर तो इसको ऑन टाइम मिला है डिपार्चर। करीब 1:25 हमारी ट्रेन सकरी जंक्शन पहुंच चुकी है और यहाँ हमारी जर्नी कंप्लीट होने वाली है क्योंकि यहाँ से आगे हम जर्नी नहीं करेंगे। यहाँ जो इस ट्रेन का आने का सही वक्त था जो 1:28 आने की तो 3 मिनट बिफोर टाइम यहाँ पहुँची है सकरी जंक्शन पे और यहाँ आते आते कुल इसने 217 किलोमीटर का सफर कवर किया है। यहाँ के बाद मधुबनी जयनगर तक ही पहुँच जाएगी तो कुल मिला के यह करीब 4 बजे इसका पहुंचने का सही समय है लेकिन मुझे तो लगता है ये करीब बहुत टाइम पहुंच जाएगी। तो दोस्तों हमारी जर्नी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए और कमेंट और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद।